400 रुपए में नहीं खरी, 570 में। आप बोलना चाहती हैं? हाँ, बोल रही हैं। बोले कैसे मना किया? बोले, अरे 400 रुपए वाली थैली 570 रुपए में, ये कोई पागल है? रोजों के मुंह से NIC अपना साथ लेकर आए। अरे भाई NIC में क्या मिल रहा है? गरीब इंसान को तो, गरीब इंसान को तो तंग कर दिया ना, परेशान कर दिया ना। जहाँ लेकर आए NIC के साथ आए। जैसे आम दिन में एक्सपो सेंटर जो लगता है ना, मसाला बाजार लगता है, माई कराची लगता है, उसमें अच्छा सहूलत, वो सस्ता है। लेकिन इस रमजान में तो आवाम को परेशान ही किया। ले सके, परचेज कर सके, यकीन करें। फजूल में लगवाया है आपने, फजूल में JDC वालों ने लगवाया है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम परचेज कर सके। बहुत मुश्किल से हम रमज़ान में आए थे रोज़ा रख के कि शायद कुछ बचत मिल जाएगी, लेकिन कोई बचत नहीं हुई हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे हम लोग कहाँ से आए हैं देख के ये बचत बाजार का TV में? ये तो हमारा फजूल गया, यहाँ पे तो कोई बचत है ही नहीं। ये डबल रेट पे दे रहे, खाली नाम का बाजार है, या ज़्यादा प्लाटिंग के वो कारोबार शुरू है, वो ही है बस। एक दिन आप कट कर देंगे इसको, ये चलाएं इसे ले लेंगे। नहीं नहीं, कट कर देंगे कसम, इसको चलाएं अच्छे अल्फाज में देंगे। हम लोग इतनी दूर से हैं, आधा घंटा हम 2 PM to 3 AM यही है टाइम। अच्छा, जी अच्छा। सेकंड ये कि अभी हम अंदर आएँ तो यहाँ तो कोई ऐसा खास डिस्काउंट नहीं है, कोई 1200 का आटा नहीं है। आप भी बोलिए, क्या बोलें यार। यहाँ पर हमें जिस तरह बताया गया था, जिस तरह सोशल मीडिया और जो है ना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया गया था, मार्केटिंग की गई थी। हाँ, जो मार्केटिंग की गई थी कि यहाँ पर जो है ना गरीबों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, इंतहाई कम रेट पर, जो आम बाज़ारों में जो मिलते हैं उससे भी कम रेट पर। लेकिन यहाँ हैरत है, बचत बाजार कम, फेस्टिवल ज़्यादा लग रहा है। फेस्टिवल है ये, फेस्टिवल ज़्यादा लग नहीं रहा है, ही फेस्टिवल बनाया इन्होंने। सही, 900 ग्राम जी ये मार्केट प्राइस जो है, 900 ग्राम। अच्छा वो बताइए, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, एक आम आदमी जो रहता है। आप वीडियो बना रहे हैं? हम जो ब्लॉगर हैं, आप बताइए कोई। बाद में आइएगा। अच्छा बाद में आ जाएं, चले जाना बाद में आ जाइए। इसलिए पिछले 3 दिन से जफर अब्बास के मुख्तलिफ जगह पे मैंने वीडियो देखी कि वो कह रहा है कि आपको कराची के शहरियों को 50% डिस्काउंट पे राशन मिलेगा। भाई जफर भाई, ये क्या है, आपने शोषण छोड़ा था, 30% कम देंगे। यहाँ तो चीनी भी 105 रुपये मिल रही है। कहा है जफर भाई, आपने बड़ी बातें की है यार। हम लोग इतनी दूर से करके आके हम मायूस हो रहे, कोई नहीं है, 30% क्या, 10% भी डिस्काउंट नहीं है, क्या कर रहे हैं जिन चीजों पे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मसब उमैर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल AM Vlogger। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं बचत एक्सपो में, जो कि जिसका जिन्होंने दावा किया है कि इस बचत एक्सपो में इतनी इंतहाई चीज़ें सस्ती होंगी, और क्या क्या होंगी चल के देखते हैं। मतलब मैं इसके बारे में अभी और मज़ीद आपसे क्या बोलूँ, आए चल के देखते हैं इस बचत एक्सपो में क्या चीज़ सस्ती है, या फिर मैं अक्सर अपने जुमले में बोलता हूँ ये बचत बाज़ार है या सिर्फ बाजार ही है। आइए नज़र चलते हैं और चल के देखते हैं। ये आप यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो हम ले सके, परचेज़ कर सके, यकीन करें। फजूल में लगवाया है आपने, फजूल में JDC वालों ने लगवाया है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम परचेज़ कर सके। बहुत मुश्किल से हम रमज़ान में आए थे रोज़ा रख के कि शायद कुछ बचत मिल जाएगी, लेकिन कोई बचत नहीं हुई हमें, किसी किस्म की कोई बचत नहीं है। बल्कि सामान भी पूरे नहीं है, सामान भी पूरे नहीं है यहाँ पे, यहाँ हॉल भी खाली पड़े हुए अंदर घुसे के यहाँ पर कुछ है नहीं तो और लग नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो प्लॉटों के लिए लगा हुआ है। अच्छा, ज़्यादातर बिल्डर्स आए हैं? हाँ, बिल्डर्स आए हुए हैं। रमज़ान का तो कोई भी ऑफर नहीं है, रमज़ान में बचत कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे, बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे हम लोग कहाँ से आए हैं देख के ये बचत बाजार का TV में? ये तो हमारा फजूल गया, यहाँ पे तो कोई बचत है ही नहीं। ये डबल रेट पे दे रहे, खाली नाम का बाजार है, या ज़्यादा प्लाटिंग के वो कारोबार शुरू है, वो ही है बस, कोई सामान सस्ता नहीं दे रहे। चलिए
उसे की हालत में बाहर खड़े रहे, जबकि दो बजे का टाइम था, तीन बजे का टाइम दिया था कल मैं रात को आगे पूछ के गया हूं। ये कोऑर्डिनेटर का मैसेज है मेरे पास रात में। अच्छा, दो बजे का टाइम दिया था। जी दो बजे का टाइम है, मैं आपको इस पर मोबाइल पर दिखाऊँ। ये देखिए ये यहाँ की कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पे हॉल चलाते हैं। ये देखें आप देख सकते होंगे 2 PM to 3 AM यही है टाइमिंग। अच्छा, हाँ, जी अच्छा। सेकंड ये कि अभी हम अंदर आए तो यहाँ तो कोई ऐसा खास डिस्काउंट नहीं है, कोई 1200 का आटा नहीं है कहीं पर, हमें 1200 का आटा नहीं है। 1300 को बोला था, चलिए 1300 ही, आप 1600 वाला 1300 में ही दिलवा दें, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। कितने का दे रहा आटा ये? उस 1600 का है जी। जी जो आपको इजीली किसी मतलब और जो डिस्काउंट का बोला था वो आपको नज़र नहीं नज़र नहीं आया, और इजीली वो आपको कहीं पर भी अवेलेबल होगा। मैं नाम नहीं लूँगा उन मार्ट के और सुपरमार्केट्स के, वो आपको इजीली अवेलेबल होंगे, वो पॉइंट्स भी देंगे, प्लस आपको मजीद डिस्काउंट भी देंगे, 10,000 की खरीदारी पर डिस्काउंट, 15,000 की खरीदारी पर डिस्काउंट। जी जी अच्छा नाजिर, मैंने कई बचत बाजार अभी कवर किए हैं, मैं भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने जो आटा देखा वो 1200 रुपये का आटा था जी, और वो कोई ब्रांड था, मतलब शायद वो उन्होंने अपना जाती ब्रांड बनाया हुआ था, 1200 का आटा था। और चिकन वगैरह भी है यहाँ पर है? नहीं, चिकन वगैरह भी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं है। हर आदमी फ्रूट्स और सब्जी उसी रेट पर हैं जो मुझे मलहर में मिल रहे हैं। हाँ उसी रेट पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि 1-2 किलो ज़्यादा ही है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 4 किलो आलू हैं तो वहाँ पर 5 किलो आलू हैं। अच्छा जी बिल्कुल, मतलब रेट में कोई फर्क नजर रेट में कोई फर्क नजर नहीं आया, वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ। रोज़ा ख़राब करना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा तो नाजरीन, हाँ नाजरीन, आप तो ये तो अजीब ही दास्तान हो गई, यहाँ पर तो हम भी कवर करने के लिए आए थे, यहाँ तो हर आदमी परेशान नज़र आ रहा है। अभी देखिए आपने भी कुछ बोलना है? अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पर तो मैं अंदर, आप भी कुछ बोलिए। क्या बोलें यार, यहाँ पर हमें जिस तरह बताया गया था, जिस तरह सोशल मीडिया और जो है ना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया गया था, मार्केटिंग की गई थी। हाँ, जो मार्केटिंग की गई थी कि यहाँ पर जो है ना गरीबों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, इंतहाई कम रेट पर, जो आम बाज़ारों में जो मिलते हैं उससे भी कम रेट पर, लेकिन यहाँ हैरत है। फेस्टिवल ज़्यादा लग रहा है, फेस्टिवल है ये, फेस्टिवल ज़्यादा लग नहीं रहा है, ही फेस्टिवल बनाया इन्होंने। सही, चले नाज़रीन, ये तो चंद लोगों के रिव्यू हैं, अंदर घुसते ही लोगों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, और अब देखें बाजार के बजाय ये तो प्रमोशन लीडर्स की है। हाँ, बचत बाज़ार के बजाय ये भाई साहब कह रहे हैं ये प्रमोशंस हैं बिल्डर्स की। अच्छा, अब देखते हैं नाजिम कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ये तो लोगों के रिव्यूज़ थे, अब लोग रिव्यूज़ जो देते हैं जो हकीकत क्या है वो तो खैर ज़ाहिर बात है, अब लोग मिलते जाएंगे तो पता चल जाएगा, कई लोगों ने दिया है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये टपाल्टी दे रही है, अच्छा क्या डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोग वाइटल पर? सर मार्केट प्राइस 1600 है, आपने डिस्काउंट 1360 की दे रहे हैं। 1600 है, ये 1600 कितने ग्राम के आप पैकेट है? 900 ग्राम जी सर। ये मार्केट प्राइस जो है 900 ग्राम। अच्छा वो बताइए 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, एक आम आदमी जो रहता है। आप वीडियो बना रहे हैं? हम ब्लॉगर हैं, आप बताइए कोई बात। अच्छा बाद में आ जाएं, चले जाना बाद में आ जाएंगे। अच्छा ये कह रहे हैं बाद में आइएगा, अब बात पता नहीं कौन सा बात है ये तो मुझे भी नहीं पता, चले जाना पर परेशान है यहाँ पर, मुझे लग रहा है हर आदमी परेशान है यहाँ पर, लेने वाला भी परेशान है और जो है देने वाला यानी कि दुकान वाला वो भी परेशान है। तो नाज़िन यहाँ पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, कुछ समझ में तो खैर मेरे भी नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो लोगों ने, हाँ ये देखिए सही बोल रहे हैं लोग, ये प्लॉटों की भरमार हो रही है, बचत बाज़ार में प्लॉट क्या कर रहे हैं। हाँ ये देखें, ये कोई बिल्डर हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, और जनाब 50% ऑफ, अच्छा जनाब, अच्छा अभी तक मुझे कोई अशिया खुर्दनोश की कोई चीज़ का स्टॉल मिला नहीं, अल्लाह करे मिल जाए, मिला नहीं कोई इंसान के पास खाने को कुछ नहीं है तो बेचारा ये क्या सब चीज़ें क्या ख़रीदेगा। हाँ नाज़िम चलते हैं, चल के और मज़ीद देखते हैं। बिक रही है ज्वेलरीज फेस्टिवल है, और ज्वेलरी सेट सिर्फ 150 रुपये गारंटी के साथ। हाँ भाई ये तो वाकई में 150 रुपये की सस्ती है।
ये हर चीज़ भाई 150 रुपये की है। चले थोड़ी देर में आते हैं नाजरीन, रश अच्छा खासा है यहाँ पर। जेडी 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 जेड 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 जेड, ये सही बताया आपने, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा था, जेड बताया आपने। अच्छा नाजरीन, खातून ने बताया जेड नाम है, हम गलत पढ़ रहे थे उसको। जेड ये एक यूके बेस्ड ब्रांड है और हमारे पास जो है वो स्किन केयर की वास्ट रेंज है। उसमें स्किन केयर में फेस वॉशेज़ हैं, सनस्क्रीन है, रोज़ वाटर है, उसके अलावा ये लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, सनस्क्रीन है। तो ये टी ट्री ऑयल फेस वॉश है, ये 15 ml में मौजूद है अगर कोई ट्राई करना चाहता है। उसके अलावा ये लोशंस हैं 120 ml में, 60 ml है, 30 ml है। और ये आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक रोज़ वाटर है, ये 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, एक रोज़ वाटर आता है, मैं एक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के बनने के बाद ही का ब्रांड है वो। जी जी, बहुत मशहूर है, समझ गए होंगे मैं के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो समझ, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वैसे ही है या उससे बेहतर है? उससे ये बेहतर है बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल ट्राई करके देखेंगे। ये स्किन की जो pH है उसको भी नॉर्मल रखता है, साथ में हाइड्रेटिंग है। ये सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें SPF 15 है, मैटिफाइंग है, हाइड्रेटिंग है, हाइरोनिक एसिड शामिल है और ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, एक अच्छा आइटम है। और साथ में ये फेस वॉशेस की रेंज है। शॉप वगैरह या आउटलेट कहाँ पर है? अभी हम लोग नाहिद पे, बिन हाशिम पे और डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल है, बाकी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें ये फेस वॉशेस की रेंज है हमारी, स्किन ग्लो है, उसमें चारकोल है, टी ट्री है, नीम फेस वॉश है। कौन सा फेस वॉश है? ये स्किन ग्लो फेस वॉश है, ये चारकोल फेस वॉश है, टी ट्री ऑयल फेस वॉश है और इसमें 1% सैलिसिलिक एसिड शामिल है और साथ में ये नीम फेस वॉश है। मेल का तो कोई काम नहीं है? नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, बिल्कुल बोथ के लिए, और ये ऑल स्किन टाइप्स है। उसके अलावा ये हमारी इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और ये ब्राइटनिंग क्रीम है। तो बिन हाशिम पे हैं, बिन सफ़ीर पे हैं, आप कौन से वाले फैटी एरिया में? ऑल ब्रांचेस में अवेलेबल हैं। बिल्कुल, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे है जी, बिल्कुल, और बिन सफ़ीर पे भी है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा thejade.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने प्रोडक्ट का ब्रीफ किया और बड़ा अच्छा बताया, और ज़ाहिर बात है ये यूके बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की इनकी। तो जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, बिल्कुल मुस्तफ़ीद हों, तो लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो तो ज़ाहिर बात है ग्रॉसरी है, और ये सब तो भी प्रायोरिटी में आता है, ख़वातीन की प्रायोरिटी में आएगा भाई, ये कोई नॉन प्रायोरिटी में नहीं आएगा, ख़वातीन की प्रायोरिटी में आएगा ये। आए नाजरीन, और देखते हैं कि एक स्टॉल पर रश लगा हुआ है, यहाँ शायद कोई या तो कोई ज़्यादा ही रश लगा हुआ है, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, कुछ सस्ता मिल रहा है? नहीं भाई, सस्ता कहाँ है, सस्ता का वर्ड ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, मैं मेमन गोट से आया हूँ यहाँ पर, इसलिए पिछले 3 दिन से जफर अब्बास के मुख्तलिफ जगह पे मैंने वीडियो देखी कि वो कह रहा है कि आपको कराची के शहरियों को 50% डिस्काउंट पे राशन मिलेगा। मैं भी खुश हुआ, मैं भी गरीब आदमी, मैं भी इसलिए आया कि मैंने कल चीनी, यकीन करो घर में ज़रूरत थी, मैंने 1 किलो लिया 105 रुपये में। मैंने पर ज़्यादा इसलिए नहीं लिया कि आज एक्सपो में जाऊंगा, 50% डिस्काउंट पे कम से कम मुझे 8 किलो 10 किलो मैं लूँगा। मगर यहाँ पर मैं आया सर, मैं इतना मायूस हुआ, जो 105 रुपये का मेमन गोट में मिल रहा था, मैं 1000 रुपया खर्चा करके इधर जो पहुँचाऊँ तो वो भी वही पर उसी रेट पर। ये कह रहा हूँ कि इतना लोग जो कह रहे थे कि 50% पे आपको राशन मिलेगा, ये सब बेवकूफ़ी है। मेरी माएँ बहनें आप देख रहे हो बड़ी उम्र के, जो दूर दूर से औरंगी टाउन से पता नहीं कहाँ कहाँ से 1000 रुपया किराया, वो बाज़ार से महंगी मिल रही है। मैं अपने दोस्तों से ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस बाज़ार में ना आए, अपने आप को वक्त ज़ाया ना करें। थैंक यू भाई। जफर भाई, ये क्या है, आपने शोषा छोड़ा था, 30% कम देंगे, यहाँ तो चीनी भी 105 रुपये मिल रही है, कहा है जफर भाई, आपने बड़ी बातें की है यार, हम लोग इतनी दूर से किराया खर्च करके आके यहाँ मायूस हो रहे, कोई नहीं है,
30% क्या 10% भी डिस्काउंट नहीं है? 1% भी नहीं है यार, ये क्या कर रहे हैं? जिन चीजों पे है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं बिकते, वो यहाँ पर लेकर अच्छा, मैंने एक साहब से पता किया और वो प्याज को 90 रुपए बताया, तो मार्केट में भी 90 रुपए आप 90 रुपए भाई प्याज टमाटर मलीर में, हमारे मलीर में 100 रुपए का ढाई भाई शाह फैसल में रोजे के बाद 85 रुपए किलो प्याज मिल जाती है। ये हम लोग इतना किराया खर्च करके आए, कोई फायदा नहीं हुआ। टमाटर जो है मलीर में, हमारे मलीर में 100 रुपए का 2.5 किलो मैंने खरीदा भी है, मगर यहाँ पर सर, यहाँ पर जो है 100 रुपए का 2 किलो 50 रुपए का, बजाय 10 रुपए कम होने का 10 रुपए का ज्यादा उल्टा महंगा बढ़ गया बहुत ज्यादा। ये जफर भाई ने पता नहीं किस कैसे इन कंपनियों पे एतबार कर लिया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि जफर भाई तो देखिए, जफर भाई तो बेसिकली नाजिम नवाज, जफर भाई तो एक फ्लाई, देखिए जफर भाई एक फ्लाई इदारा है, अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जिन कंपनियों ने उनसे जो जो चीजें बोली वो उल्टा कर दी। सही कह रहे हैं नाजिम। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो मैं अंदर घुसा और लोगों ने एक यलगार कर दिया मेरे ऊपर, वो हर आदमी की ज़ुबान पर एक ही अल्फाज था कि भाई ये जो है जितने भी किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, अभी तो मैं किसी आशिया खुर्दनोस की तरफ गया ही नहीं हूँ, और जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं ये सब के स्टॉल जो हैं ये सिर्फ मेरे ख्याल में तो सिर्फ स्टॉल हैं और इसके ऊपर किसी किस्म कोई डिस्काउंट का एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा अभी जितने लोगों से मुलाकात की तो एक जो बचत बाज़ार में एक समा होता है कि आदमी दोनों हाथों में चीज़ें लिया हुआ होता है और एक कंधे पे लिया हुआ होता है, एक दूसरे कंधे पर डाला हुआ होता है, यहाँ तो मुझे एक हाथ भी पूरा फुट फुट नज़र नहीं आ रहा और हर आदमी खाली होकर चीखते चिल्लाते हुए जा रहे हैं। आए नाजिन और आगे चलते हैं और आगे लोगों को देखते हैं। यार थोड़ा सामान बेचो, अपनी चीज़ों के बारे में बताओ ना थोड़ा सा, कहाँ की चीज़ें नहीं टाइम है भाई बोल रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है। अब जाहिर बात है इनके पास यकीनन टाइम नहीं होगा और कह रहे टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। चले बात तो खैर ठीक बोल रहे हैं, किसी भी आदमी के पास टाइम नहीं है और हमारे पास तो खैर टाइम ही टाइम है। तो जिन चीज़ों पर एक ज़माने में गुस्सा आता था अब उन चीज़ों पर हंसी आती है। लो ये तो शेर हो गया नाजरीन बेहतरीन, कि जिन चीज़ों पर एक ज़माने में गुस्सा आता था अब तो हंसी आती है। अपना हाल आपको क्या बताए। अच्छा भाई थोड़ा वक्त हो गया आपके पास, ये बाद में आऊँ बिल्कुल टाइम नहीं, टाइम तो खैर भाई मेरे किसी के पास भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बाद में आ जाता हूँ आपके पास। सही है सही जनाब, ये टाइम तो नाजरीन इनके पास भी नहीं है और मुझे लगता है अब शायद टाइम किसी के पास भी नहीं है। हाले दिल अपना क्या कहें नाजरीन, अब तो सुनाते हुए भी हंसी आती है। वाह, मतलब आप ये देखिए इस टेंशन के इन्वायरमेंट में जो है मुझे हंसी आ रही है, हंसी आने की वजह सिर्फ ये है कि नाजरीन मतलब हर आदमी परेशान है, क्या कहें आप किसी के बारे में, हर आदमी परेशान है। वो अब वो किसी एनजीओ के ऑनर को कुछ कहना वो उसका बेचारे क्या कहें, कोई हुकूमत थोड़ी है कोई, वो बेचारा क्या कर सकता है, वो तो कुछ थोड़ी कर सकता ना। कंपनी ने जो कमिट किया उस तरह परफॉर्म नहीं किया, उस तरह डिस्काउंट नहीं दे रही, तो वो क्या कर सकता, वो खामोश हो जाएगा सारी बातें उसको भी। बस इस टॉपिक पर मज़ीद और कुछ बोल नहीं सकते, बोलना बेकार है ना, क्योंकि वो तो अपनी कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा करता है। चेयरमैन है ये, ज़रा उनसे बात करें। ये देखो छोटी सी बच्ची ये देख रही है कैमरे के अंदर, देख रही है, हाँ ये छोटा बच्चा, छोटा बाबा, ये देखो ये भी छोटा बच्चा है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने। भाई अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सिटी। अच्छा अच्छा उसकी जो प्रोडक्ट है वही है बस ये पूछना चाह रहा था बस नाजिन ये कमांडर सिटी बिल्डर्स हैं उनके अपने प्रोडक्ट हैं। ये देखिए इनके प्रोडक्ट मैं आपको दिखलाऊं, ये शायद जूसेस भी हैं इसके अंदर और ये कोई मोबाइल केबल्स भी होती हैं इसके अंदर, हैंड वॉश भी होता है और CCI प्योर डिश वॉश भी है इसके अंदर और साबुन वगैरह हैं। साबुन कितने के हैं, एक साबुन कितने का पड़ता है? एक। अच्छा किसी ने सही कहा है नाजरीन, रुपये का भी डिस्काउंट नहीं है, फजूल है, मैं फजूल टाइम बर्बाद किया मैंने आगे, मैं समझे कुछ भी बचत नहीं है, उल्टा महंगा, ये तफरी है तरह की भाई यहाँ पे आगे फेस्टिवल बच्चों को। अच्छा 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 बद नाजरीन आप देख रहे हैं मतलब लोगों का मिला जुला रुझान है लेकिन बचत का अल्फाज किसी के पास भी नहीं है। भाई कुछ क्विज़ के मशरूब में क्या डिस्काउंट है?
रुपये 350 की बोतल है, हम 250 रुपये की दे रहे हैं, 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। 100 रुपये का जी। मार्केट में कोई भी लो, चाहे स्टीम सोडा ले लो या रेड ले लो, कोई भी। ये लाल वाली जो है हमारी 250 की है, हम 200 रुपये की दे रहे हैं, और हरी वाली जो है वो 350 की है, 250 रुपये की दे रहे हैं। 100 रुपये का डिस्काउंट है। 100 रुपये में कितना बनता है डिस्काउंट? आप लगा लीजिए तकरीबन वो 35% बनता है, 30-35% बनता है बिटवीन, वही रेट है, ज़्यादा ही है। हर आदमी परेशान है नाज़रीन, हर आदमी परेशान है और कह रहा है कुछ कोई चीज़ सस्ती वस्ती नहीं है। बाजू कोई सस्ता मिला? बोले बोले थोड़ा तो बोले ना, ये ले बाइक ले, बोले कुछ बोले। हाँ बस कोई सस्ता मिला? हाँ बस मिल गया, शुक्र है जो मिला वो। नहीं इतनी चीज़ें ली, कुछ सस्ता मिला? हाँ मिला, इसमें कुछ रियायत थी, मिला कुछ सस्ता। हाँ सही है, मतलब फ़ायदा है यहाँ से ले जाने का? फ़ायदा बस आ गए, फ़ायदा हो। हाँ जब आ गए तो फंस गए, फंसे तो नहीं है, चलो जो भी मिला हमारे नसीब में जो यहाँ से चलना मार देता है, जो तक जाते है ये रिक्शा पकड़ो फिर ये चले रिक्शा। हाँ चले शुक्रिया। तो ये बाजी बैठी हुई थी थक हार के, तो मैंने बाजी से थोड़ा रिव्यू लेना मुनासिब समझा, मैं बैठी हुई थी परेशानी थी क्योंकि सामान ले चुकी हैं और लेने के बाद जो है अब इनको घर जाना है। क्या क्या फील कर रहे हैं, क्या महंगाई है, मतलब बहुत सारी बस अगर देखा एक कैनवस के नीचे सब चीज़ें मिल रही हैं, बस इतना ज़्यादा है। और यहाँ तक महंगाई की बात है तो तकरीबन नॉर्मल प्राइस है, कोई ऐसा ज़्यादा इतना मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं मार्केट से परचेज करता हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है। 100 रुपये प्राइस लिखे हुए लेकिन 80 का मिलता है। अच्छा। तो लेकिन नेशनल है, नेशनल नाम है, नाम से बिकने वाली चीज़ है। इन सब पर जितना 100 रुपये पड़ा है इस पर आपने एक्सपायरी पढ़ ली है? एक्सपायरी नहीं पड़ी मैंने अभी तक, एक्सपायरी नहीं, मतलब जब जितना मुझे याद है कि ये लोग जब यहाँ पर आए तो यकीनन ये ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। नहीं वो बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन देखिए एक मैं बहुत मशहूर कराची के ब्रांड का नाम जानता हूँ, आज से 6 साल पहले टनो जूस भेज दिए थे नेस्ले के एक्सपायरी। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही कह, इस्तेमाल की मेन रोडी पर बिल्कुल टनो भेज दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज में बिका था, बाद में पता चला था लोगों को। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे मैं समझता हूँ गवर्नर साहब की जेर सरपरस्ती हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ काम होगा। छान है और क्या कहें इसके लिए, ये देखिए सामान रखा हुआ है, इस पर क्या डिस्काउंट है ये क्या मतलब, ये सब चीज़ें इंसान क्या लेगा, इंसान तो ग्रॉसरी के लिए आया है, ये सब चीज़ें क्या इंटरेस्ट है इंसान को, चले बहरहाल चीज़ें लगी हुई तो लगी हुई हैं। मुकम्मल में सात चीज़ें, एक तो ये चॉपर है काम करेगा, प्याज हरी मिर्च सब ले लिया, मोटी कटिंग का तरीका है, बारीकी लिए घुमा लेंगे, सब चीज़ होगा, चिकन कच्चा कर लें, बीफ कर लें, बॉइल कर लें, और ये देखिए मसाला चॉपर भी मुकम्मल में 7 पीस का सेट है, ये सेट मिलेगा 600 रुपए का सेट है इसका, ये कबाब का सेट है बाजी, ये 600 रुपए का, ये 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1500 रुपए का पैकेट 1000 में दे रहे हैं, 500 रुपए डिस्काउंट है सर। सर आप चेक कर लीजिए, देखिए ये 7 पीस का सेट है, मशीन एक कबाब 3 समोसा, ये पैकेट फ्री मिल रहा है, रमजान ऑफर है बाजी। बाजी इसको कहते क्या है ये चीज तो बता दीजिए, देखिए कोई नाम नहीं है इसका, कोई नाम नहीं है, चॉपर कटर है, चॉपर कटर है, मैनुअल चॉपर कटर है। मुबारक हो नाज़रीन, हम नाम पूछने में कामयाब हो गए, आखिरकार 8 मिनट के बाद इन्होंने बता ही दिया कि ये बांग्लादेश का मैनुअल चॉपर कटर है, और मेरे समझ ये नहीं आ रहा ये तो मार्केट के अंदर आम अवेलेबल है, हो सकता है कोई ख़ास चीज़ हो बांग्लादेश की, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। चलो भाई हो सकता है, बहरहाल इंसान हलाल रिस्क कमा रहा है तो उसको क्या बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए, सही है। अच्छा नाज़रीन अब हम आ गए हैं हॉल 3 के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकब के अंदर ये है हॉल 3, ये हॉल 3 के अंदर अगर मुझे लग रहा है इसकी खुशबू से कि अंदर शायद अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं। अपना एक्सपेक्ट करके आई थी, इतनी बचत हुई है नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं बचत, कोई बचत नहीं, नहीं बिल्कुल। मार्केट के रेट और ये रेट दोनों एक ही है, मार्केट के रेट और ये रेट एक ही है, कोई फर्क नहीं है, सब क्वालिटी का नाम दे रहा जी। बहुत अच्छा लगा, यहाँ बचत बाजार लगा हुआ है, 30-40% लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है, तो गवर्नर साहब का बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा कुछ लोग के तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और हो सकता है इनको बचत हुई हो, तो हर आदमी तो ये बोल रहा है बचत नहीं, चले बहरहाल हम देखते हैं, हमने देखना है कि बचत है या नहीं है, क्योंकि लोगों को हमें आप लोगों को दिखाना मकसद है कि यहाँ पर क्या बचत है और क्या बचत नहीं है। आप मुझे भी देख रहे हैं मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ बताइए लग ही रहा हूँ तो बहरहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ मजाक हंसी भी रहा हूँ, नाज़रीन चलता है
और बहरहाल आपको भी दिखा रहा हूँ चीज़ें, ये देखें आटा, ये आटा है। सबसे पहले तो हम चलते, मेरी नज़र पड़ी ताज़ा फल, चलें भाई ताज़ा फल देखें। रश बहुत है भाई, हाँ देख सकते हैं। खरबूजा कैसा है भाई? 75 रुपये किलो खरबूजा, 75 गर्मा 75, तरबूज 60 रुपये किलो। अच्छा खरबूज 75, गरमा 75, तरबूज 60 रुपये किलो, सरकारी रेट 105 है, ये रियायत है। अच्छा सही, चलो भाई ये तो मुझे लग रहा है सब्जी मंडी के सारे व्यापारी हैं जो आए हुए हैं। भाई क्या हिसाब है? दोनों केचप दे दें एक। ये गार्लिक क्या हिसाब है? 300 पे दो, एक फ्री है। ये लश जो है ये केचप, केचप की बात। हाँ 300 के दो और एक फ्री, मतलब तीन मिलेंगी। कितने ग्राम का? और ग्राम कितना है ये भी तो पूछो भाई, ग्राम कितना है? ये है 800 ग्राम, 910 ग्राम है मेरा। अच्छा ये बड़ी वाली की बात कर रहे हैं, दिखाएंगे ना पैकेट, दिखाएंगे पैकेट, दिखाएं बड़ा वाला पैकेट, दिखाओगे कोई भी रखा हो? बड़ा वाला 900 ग्राम है ना ये, इसी को चिली गार्लिक है ये। और वो टमाटर, अच्छा इसके चिली गार्लिक के साथ टमाटो केचप मिलेगा, चिली गार्लिक नहीं मिलेगी? दोनों अगर एक लेना, एक चिली गार्लिक होगी, टमाटो केचप होगी, ऐसा ही होगा ना? 300 रुपए। अरे अरे अगर हम दोनों टमाटो केचप लेना, दोनों दे देंगे, मिल जाएगा, दे देंगे ना, हम यही पूछेंगे। आ रहे कहीं नहीं। अच्छा भाई जान आप ये देख रहे हैं, अब ये कंपनी है लश, और ये कंपनी क्या है ये देख लें, ये फ्रूट न्यूट्रिशन है, ये फ्रूट न्यूट्रिशन कंपनी है, ये इसी के प्रोडक्ट हैं, जूसेस हैं और टोमेटो केचप है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये गालिबन इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ऑनर हैं। प्याज क्या हिसाब है? अदर रेट दे रहे सब कुछ। हाँ बताओ ना प्याज क्या हिसाब है, प्याज क्या हिसाब है? सर प्याज 300 रुपए की है। 300 रुपए कितने की? 4 केजी है। 1 किलो कितने का बना? 50 रुपए दे दो। 1 किलो कितने का बना सर? 1 किलो 78 का तकरीबन पड़ रहा है। 78 का जी, जी प्याज है? नहीं सही है, बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्याज है। हमारी खुद की पैकिंग जी सर। एक प्याज उठाओ भाई, आलू प्याज या खाली आलू 150 रुपया काट लें सर। ये कितने का पड़ेगा? ये 150 रुपए का, 150 रुपये। प्याज और आलू सस्ता है, बाकी सारी चीज़ों में देखा है प्राइजेज इतनी ज़्यादा कम नहीं है भाई। और प्याज और आलू में कितना फ़र्क मिला? प्याज और आलू में तकरीबन 15-15 रुपए का फ़र्क है बस। हाँ तो नहीं दे रहे ये, बिल्कुल भी कोई नहीं दे रहे, गरीब बेचारा मांग रहा है। अच्छा तुम्हें चाहिए 2 किलो, तुम्हें देंगे 2 किलो? अब मैं 2 किलो के पैसे लेके आया हूँ जेब में। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारा तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है तो तुम 4 किलो का लेके करोगे? 4 किलो लेके करेंगे क्या, घर लेके जाएंगे खराब हो जाएंगे। और टमाटर की लाइफ मुश्किल 2 दिन होती है। दो दिन। ये देखो, बोलो 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 बोलो, ये चाचा ने बेचारे ने बचत बाजार में घी और आलू के अलावा कुछ भी सस्ता नहीं है। 3000 लेके आए थे जेब में खाली। हाँ। ये दो चीज के अलावा कुछ भी सस्ता नहीं है। 3000 लेके आए थे और क्या बस ये दो चीजें ली है। ये भी गवर्नर, हम तो सोच रहे थे बचत बाजार पूरा लूट लेंगे, मगर ये 3000 में ये दो चीजें ली। 3000 में दो चीज दी और तुम बचत बाजार लूटने के चक्कर में आए थे। ठीक है, मैं ऑयल लेना था, आटा लेना था, ऑयल की इतनी लंबी लाइन में हम लगे हैं, उसके बाद जो है ऑयल खत्म हो गया है। अब हाँ ऑयल में फर्क क्या था? फ़र्क ये था कि बाहर चाय शायद 3100 का मिल रहा है, यहाँ चाय 2525 का मिल रहा था। एक पैकेट कितने का पड़ा? अब आप हिसाब लगा लें कितने का पड़ा। 5 किलो का है, 500 और कुछ का पड़ा। सारा जो ऑयल था जी, हर पाउच लीटर का था, 900 ग्राम का, 1 लीटर का है मेरे ख्याल से। 1 लीटर जी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और आपको लगा कि और किस किस चीज़ में फ़ायदा है? आटा लेने गए हैं बच्चे और हस्बैंड, आटा जो है वो बाहर तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। 1600 का बैग है जी।
बाकी मैंने आलू प्याज लिए हैं और तो कोई फर्क फर्क है नहीं है। ना उम्मीद हो गई जी जी वो तो कह रहे मैं 3000 रुपये बाजार लूटने के लिए आया था। अच्छा दो चीज़ें बड़ा मुश्किल से लेके जा रहा हूँ। अच्छा अभी तो मैंने भी दो चीज़ें ली हैं जी। अच्छा थैंक यू जी। पाजी आप भी कुछ बोलिए, परेशान तो है लग रही है। अलैकुम परेशान यूँ है कि जितना इन्होंने बोला था वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अच्छा अभी जफर आबाद से और गवर्नर साहब से अभी मेरी यही बात हुई है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि नहीं आप जाएं हमने 50% ऑफ करवा दिया। हाँ। मगर सिर्फ तलोगे उसमें था तो वो सब खत्म हो गया। अच्छा। अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं है। अब हम तो हाई पागल हर जगह ले जाती है। मुझे लगता है फारिग है। दूसरी बात है मुझे ये बचत बाजार कम फेस्टिवल ज्यादा लग रहा है। यस ऑफ कोर्स है ना, ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं। शुक्रिया भाजी, बहुत बहुत अच्छा। नाजरीन ये तो मामलात ही कुछ अजीब सी हो गए कि प्रैंक हो गया तो आवाम के साथ। चले भाई क्या कहा जा सकता है, जिसको जो बचत मिल गई वो बहुत अच्छी बात है और जिसको जो बचत नहीं मिली वो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब बाजार से आया खरीदने में क्या परेशानी की बात है, पैसे तो उसके बाद है ना, मुफ्त बाजार तो नहीं है। तो चले नाजरीन मैं आपको और आगे दिखाता हूँ और आज देखें कहाँ पर क्या क्या चीज़ मिल रही है और फिर हम जल्द ही अपना व्लॉग का यहाँ से इख्तिताम करेंगे क्योंकि हमें भी बेटा क्या 1000 कॉटन लाए थे, 1000 कॉटन थे जो सेल हो चुके। अब कॉटन आने में 15-20 मिनट लगेंगे। अब मेरी आप बात सुने, आपने मुझसे क्वेश्चन किया नहीं, मैं आपसे 3 बजे के बाद स्टार्ट हुई, 3 बजे से लेके अब तक 1000 कॉटन सेल हो गए। हमें नहीं पता था कि इतना क्राउड होगा, अब लकीली क्राउड हो गया। अभी स्टॉक सुन ले, देखे बिल्कुल बिल्कुल आए हुए हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा है स्टॉक। अभी आएगा कितने घंटे, 2 घंटे बाद अफ्तारी हो जाएगी, 1 घंटे बाद मेरा स्टॉक आ जाएगा, 6 बजे तक मेरा स्टॉक आ जाएगा, सेल ऑन हो जाएगी उसके बाद। ठीक है मैडम, 1 घंटे बाद स्टॉक आएगा और सबको सेल होगा। अच्छा आप मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें आप, मुझे अच्छा मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके, आपको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे क्यों हुआ मुझे बताएंगे मैं यहाँ पे क्यों। ठीक है हमारा रोजा नहीं है क्या, हम वो आवाम नहीं है, किन को किस चीज़ का धोखा, आप कैसी बात। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, मुझे दूसरा काम नहीं है, जिसको नहीं कोई रिलीफ ऐसा नहीं मिला है हमारे को, जो भी चीज़ प्यास है वही रेट चल रहा है, माना 80 रुपये बार भी मिल रही है यहाँ भी इधर ही है, फिर भी हम इंतज़ार किया है, बिल्कुल नाजन। ये गवर्नर साहब आ चुके हैं और स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल अच्छा खासा है, रेंजर्स भी हैं और उसके साथ कैमरामैन बेताश हैं और जफर अजबाज भाई भी हैं इसके साथ। ये आप देख रहे होंगे आप गवर्नर साहब जिस हद तक काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, चीज़ें जिनकी हैं ज़ाहिर बात है वो व्यापारी हैं और उन अपना प्रॉफिट मार्जिन उनका सबसे आगे होता है कि प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं कि उनको प्रॉफिट मार्जिन में क्या प्रॉफिट मिल रहा है, अगर तो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, वरना फिर डिस्काउंट किसी को दे देना मैं नहीं समझता इतना आसान काम है। आप किताब सब्सिडी तो उन्होंने ही देनी है, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं देनी है ये और ना शायद हुकूमत सिंध दे रही है, क्योंकि गवर्नर साहब ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और उनसे रिक्वेस्ट की थी, जो जिस तरह मैंने सुना और उनकी स्पीच थी, रिक्वेस्ट की कि जितना आप दे सकते हैं तो 30 से 25 to 30% कुछ कहा था उन्होंने कि 25 to 30% आप इनको डिस्काउंट दें जिसमें लोग आसानी हो, ईद अच्छी गुजार सके, रमज़ान अच्छे गुजार सके, रमज़ान के बाद के मरहले अच्छे गुजार सके। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो लोगों का मिला जुला रुझान है उस रुझान में तो ये पता चला कि यहाँ पर शायद डिस्काउंट सिवाय सब्ज़ी और आलू के, सब्ज़ी में सिर्फ आलू और प्याज के अलावा किसी में नहीं है। 75 रुपये किलो शायद आलू है और 75 रुपये किलो शायद प्याज है और इसी तरह आसपास के कुछ आलू है, मतलब 75 रुपये तो नहीं शायद 40 रुपये होंगे 45 रुपये होंगे, मैं भी अभी लूँगा मुझे कम मुनासिब लगा तो मैं ले लूँगा वहाँ से, 4 किलो का पूरा बैग है, कोई 1 किलो 1.5 किलो आलू नहीं मिल रहा। खैर बहरहाल एक बकौल गवर्नर साहब ये पहला तजुर्बा है, अल्लाह करे इस किस्म के तजुर्बे कामयाब रहें। और हमने तो ये सोचा था कि यहाँ पर अगर अच्छा कोई रिस्पांस मिलेगा
तो हम जो है रात को भी आएंगे, लेकिन क्योंकि दिन में ही कोई अच्छा हमें रिस्पांस नहीं मिला और लोग परेशान हैं और बचत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है यहाँ पर, तो जाहिर बात है आप रात को तो आने का कोई तसव्वुर नहीं। रात को तो एक फेस्टिवल का समय होगा, आप जिसको कोई एंटरटेनमेंट करनी है, इन्जॉय करना है तो आ सकता है, और हमारे आने का तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करके आपको असल हकीकत और सच्चाई पहुँचानी होती है क्या हो रहा है। तो नाज़रीन हमें इस व्लॉग से आप दीजिए इजाज़त, जिसने इतना क्योंकि कोई ख़ास बड़ा सेटअप नहीं है, ज़्यादातर यहाँ बिल्डर्स बैठे हुए हैं अपनी प्लॉटिंग के हवाले से, अशिया खुर्दनोश यहाँ पर आप 30% कहें तो आप सही में आता है, सिर्फ 30% से 35% तक है अशिया खुर्दनोश, और बाकी जो चीज़ हैं उसमें जो वो है डिस्काउंट या रियायत जैसे कह सकते हैं उर्दू में, वो ना के बराबर यह है ही नहीं। तो बहरहाल जिसको लगे यहाँ पर आना तो बिल्कुल आए, और मैं अक्सर अपने व्लॉग में बोलता हूँ, बल्कि सारे व्लॉग में स्पेशली बचत बाज़ार जब लगाता हूँ तो उसमें ये बात बोलता हूँ कि इस महंगाई में जो जिसको जितनी बचत दे रहा है उसको दोनों हाथों से सलाम है। तो नाज़रीन यहाँ पर आएँ, आगे देखें, आपको अगर बचत लगती है तो बिल्कुल बचत करें, आप चीज़ें खरीदें, और नहीं लगती है तो बाज़ार की दुकान आपके लिए खुली हुई है। अपने मसा अपने इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल AM व्लॉगर, फिर किसी नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।